आज हम लोग हैदराबाद के पास हैं और मेरे साथ मोहम्मद अनवर भाई हैं, इनकी पंचर की दुकान है। बैठ भाई, कब से आप यहाँ पे पंचर की दुकान बना रहे हो? 2 साल हो गए। और ये देखो, पंचर जब होता है तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। मोहम्मद भाई, पंचर तो बहुत बड़ा है, इसका क्या करेंगे? इसको अंदर पहले घसेंगे। बचपन में मुझे याद है कि इसको घसते थे, फिर इसको थोड़ा सा सुखाते थे, सोल्यूशन लगाते हैं। राइट, निकाल सोल्यूशन। तो सोल्यूशन यहाँ पे लगाते, कितने पैसे मिलते हैं आपको पंचर लगाने के? 50 रूपए। पहले जब हम लोग लगाते थे तब तो 5 रूपए में बनता था, 50 रूपए में। और स्पीकर लगाते हैं तो दिन में कितने पंचर लगा लेते हैं भाई? 500-1000 रूपए बना लेते हो? तो आप तो लोगों की वेट करते हो कभी इनका पंचर हो, किले किले तो नहीं फेंकते हो? अपने आप हो जाता पंचर? कहीं लग जाता है। तो आप दुआ मानते हो लोगों के गाड़ियाँ पंचर हो जाए फटाफट, हम लेंगे तो ही तो चलेगी ना दुकान। और कौन है घर पे? घर पे मम्मी है, पापा है, बच्चे। शादी हुई, बच्चे नहीं। शादी हुई है मोहम्मद भाई की, बच्चे नहीं है, मम्मी पापा है। और इसकी मम्मी पापा और बच्चों के लिए, होने वाले बच्चों के लिए दुआ करेंगे और वाइफ के लिए दुआ करेंगे कि लोगों के पंचर होते रहे, लेकिन आपकी दुकान पर आगे बनाते रहे और आप ऐसे ही हजारों में बनाते रहे। ठीक है, खुश हो एकदम। और सबको बोलते भैया कि गाड़ी का पंचर बना दो आपके पास आने का। ठीक है, ठीक है, पंचर बना दिया। मेरे इसमें कितने मिलेंगे? 50 में से मेरे कितने बता दे, कितना? पूरा 50 दे दिया मोहम्मद भाई ने, कमाल आदमी है यार। थैंक यू सो मच मोहम्मद भाई, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।